1736 में दशहरा होने के बाद पेशवा बाजीराव उत्तर की ओर निकल पड़े। यमुना के करीब आने पर रानोजी शिंदे मल्हारराव होड़कर यमुना पार से कुछ रसद लेकर आ रहे थे। उसी वक्त आगरा के सेनापति सफदरजंग ने पीछे से हमला कर दिया। उस वक्त मराठों के आधे से ज़्यादा सैनिक यमुना पार हो चुके थे, पर इस सफदरजंग के हमले में करीब 500 से 1000 मराठा सैनिक खोए थे। यही खबर सफदरजंग ने अपने आगरा के वजीर सादत खान को लिख भेजी कि सफदरजंग ने मराठों पर हमला करके उन्हें चंबल के पार भेज दिया है। यही खबर दिल्ली के बादशाह को मिली। बादशाह को विश्वास नहीं हो रहा, पर वह खुश हो गया और सादत खान को उसने हाथी और शाही वस्त्र भेज दिए। यही खबर जब मराठा पेशवा बाजीराव को पता चली तो बाजीराव ने सोचा यही वक्त है मराठों की ताकत दिखाने का, और बाजीराव के पास दो चुनाव थे, आगरा जाकर सादत खान को धोया जाए या फिर दिल्ली जाकर बादशाह को बताए कि मराठा सैनिक कभी भागते नहीं है। बाजीराव ने दूसरा चुनाव किया। भरतपुर से दिल्ली तक 28 मीलों का प्रवास करके 55,000 घोड़ों के साथ बाजीराव दिल्ली आ पहुँचे। दिल्ली में मेला ही लगा था। मराठों ने तलवारें निकाली और बहुत से लोगों को धोया। दिल्ली के चारों ओर अग्नितांडव चालू कर दिया। बादशाह को बताया गया कि बाजीराव आया है, पर बादशाह को यकीन ही नहीं हो रहा था। वह सोच में डूब गया कि सादत खान ने तो बाजीराव को चंबल के पार भेज दिया है। बादशाह ने कुछ 5,000 सैनिक भेज दिए, पर वह क्या करते, पेशवा ही 55,000 घोड़ों की सेना के साथ खड़ा था। थोड़ी ही देर में वे भाग खड़े हुए। बादशाह भी डर गया और अपनी भागने को मजबूर हो गया। 6 दिनों तक दिल्ली को बाजीराव ने बंधक बनाए रखा था। इसका सीधा अर्थ यह था कि मुगलों को पता चले कि मराठा सैनिक भागते नहीं है, वे दिल्ली में ही है। इस तरीके से दिल्ली में जाकर बाजीराव ने अपने ताकत का प्रदर्शन किया कि वह भी मराठा सैनिक भागते नहीं है, वे भगाते हैं।